If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. तो कहाँ थे आप? आइए हम लोग इस वीडियो में पिक्सार से कुछ इस टाइप का एडिटिंग देखते हैं. तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग चलते हैं इरेजर ऐप में, बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं. ये रहा इरेजर ऐप, हम लोग इसको क्रॉप कर लेते हैं, सिर्फ बॉडी को ही सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, ऊपर से हम लोग उसको डन कर लेते हैं. ठीक है, स्ट्राइक पे चलते हैं, उसको मार्क करते हैं जिस कलर को हम लोग को रिमूव नहीं करना है. तो ये बॉडी का कलर रिमूव नहीं करना है, टी शर्ट सभी कलर को मार्क करेंगे जिस कलर को हम लोग को रिमूव नहीं करना है. तो आप अगर पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है कटआउट का टूल. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं रेड पे. रेड पे उसको मार्क करेंगे जिस कलर को हम लोग को रिमूव करना है. तो ये टोटल मार्क कर दिए. ठीक है, ये देखिए पूरा हो गया. तो हम लोग चलते हैं मैनुअली जाके करेंगे जो इस ऑटो से नहीं हो पाया होगा. ठीक है, तो मैनुअली हम लोग यहाँ पर रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, मैनुअली आके वो जो बचा हुआ है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम लग जाता है 10-15 मिनट. ठीक है, तो ये हो चुका हम लोगों का. देखिए इसमें साइज़ कितना छोटा हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग इसको ऊपर से सेव कर लेते हैं. चलिए ये हो गया, यहाँ से हम लोग ऊपर से इसको सेव कर सकते हैं. चलिए अब हम चलते हैं पिक्सआर्ट में. ठीक है, तो ये पिक्सआर्ट ओल्ड वर्जन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये रहा ओल्ड वर्जन. ठीक है, ये बैकग्राउंड है, इसका भी नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, हम लोग चलते हैं ऐड पिक्चर पे, और जो एरेज किए थे हम लोग उसको ऐड करते हैं यहाँ पे. तो ये रहा हम लोग का इरेजर, यहाँ पे इरेज है. ठीक है, तो इसको हम लोग को ऐड करते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं. क्या इसको हम लोग को परफेक्ट जगह पे ऐड कर देते हैं, ये हम लोग रोटेट कर लिए. ठीक है, अब फिर से हम लोग ऐड पे आके उसको क्या करेंगे, शैडो के लिए फिर से उसी पीएनजी को हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पीएनजी. चलिए इसको हम लोग एफएक्स में चल के इसको ब्लैक कर लेते हैं. यहाँ से हम लोग इसका कॉन्ट्रास्ट पूरा ज़ीरो कर देते हैं. ठीक है, अमाउंट चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं. इसको भी हम लोग रोटेट कर लेते हैं शैडो को, पहले इसका हम लोग हार्डनेस कम कर लेते हैं. चलिए ये हो गया. इसको परफेक्ट जगह पर रखते हैं कि हम लोग का उसका हेड का और बॉडी का शैडो उस कार पे आना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट जगह पे ऐड करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको रिमूव कर लेंगे. चलिए ये देखिए पूरा परफेक्ट बन रहा है, उस पर शैडो आ रहा है. ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग शैडो को बड़ा करते हैं. आप ध्यान दीजिए कि हाँ पूरा परफेक्ट, मतलब वो शैडो उस पर आना चाहिए, हेड का भी जो आपका अमाउंट बॉडी है वो सारा उस पर आना चाहिए. ठीक है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि रिमूव करने का वीडियो दिखाएं. ठीक है, तो ये देखिए चलिए स्किप कर देते हैं हम लोग. ये देखिए हम लोग इतना यूज़ कर लिया. ठीक है, अब हम इसको टच करते हैं अपने मेन पिक्चर को, तो ये फ्रंट में आ गया. ठीक है, अभी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है शैडो का, तो हम लोग इसको अमाउंट को कम कर लेते हैं यहाँ से. चलिए हो गया, अब हम इसको फिर से टच करेंगे, ये फ्रंट में आ गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं. यहाँ पर लाइट देख रहे हैं आप, वो वहाँ पर लाइट रहने का कोई सोर्स नहीं है, तो इसको हम लोग इसको रिमूव करते हैं क्लोन में चल के. ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले जो था पिक्चर क्लिक किए थे वहाँ पे लाइट थी. ठीक है, तो हम लोग इसको रिमूव कर दिए क्योंकि कोई एरिया ही नहीं था वहाँ पे लाइट आने का. ठीक है, तो हम वहाँ ब्लैक डार्क हो गया. ठीक है, हम चलते हैं एफएक्स में, अब हम लोग वहाँ पर शैडो बनाते हैं. ठीक है, तो कलर में आके कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, पहले इन्वर्ट कर अमाउंट कम कर लेते हैं. ठीक है, इन्वर्ट कर लेते हैं, साइज़ को कम कर लेते हैं, और उस सारे एरिया को डार्क करेंगे जो हमारा बॉडी अर्थ से टच होगा. ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड में वो है. ठीक है, हम लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, दिखाते हैं आपको. देखिए इतना एरिया पर हम लोग इसको डार्क कर दिए, ये देखिए. ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग इस तरह रिमूव कर लेते हैं. चलिए हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं. चलिए हो गया. ठीक है, अब हम लोग इफेक्ट्स में चलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको ब्लर करते हैं लेग को, वो इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे जो दिखा रहे हैं हम आपको, कौन सा लेग, ये शूज़ वाला, ये देखिए हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जो लेग है वो ब्लर वाले एरिया पर आ चुका है, जो पहले से पिक्चर क्लिक की गई थी वहाँ एरिया जो देख रहे हैं वो पूरा ब्लर है, इसलिए जो भी हमारा बॉडी उस एरिया में आएगा उसको हम लोग को ब्लर करना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग दिखाते हैं, पहले ब्लर कर लेते हैं. देखिए पूरा एरिया जो था साइड का पूरा ब्लर है ना उस एरिया का, इसलिए हम लोग उसको लेग को भी ब्लर करना पड़ा क्योंकि मेरा लेग उस एरिया में आ रहा था. ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं. तो छोटी छोटी बात को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इसको सेव कर लिए. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एफएक्स में. ठीक है, एफएक्स में उसका बॉडी पर हम लोग मेंटेन करते हैं. ठीक है, कलर तो यहाँ हम लोग सिनेमा में आ गए, सिनेमा वर्क कर रहा है, कभी कोई और इफेक्ट वर्क करेगा. ठीक है, तो आप लोग बारी बारी चेक कीजिएगा. तो ये बड़े पर का भी वीडियो बनी हुई है कि कैसे लाइट लाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. तो हम लोग वीडियो को स्किप कर लिए. देखिए यहाँ पे हम लोग इफेक्ट यूज़ कर लिए, अमाउंट हम लोग कम कर लेते हैं,
मतलब फेड ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी का कलर बहुत ज़्यादा डीप है, तो उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो सेचुरेशन में आकर, ठीक है, सेचुरेशन हम लोग बढ़ा लेते हैं, पहले पूरा अमाउंट यूज़ कर लेते हैं। चलिए इन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, साइज़ को कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्किप कर लेते हैं पूरा, हम लोग दिखाते हैं, देखिए इतना हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। अब अमाउंट थोड़ा सा वीक कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा है। चलिए अब मैच कर रहा कलर, सेव कर लेते हैं। अब हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक, उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर यूज़ करना होगा हम लोग को पूरा एरिया, तो हम लोग आपको उसको ऐड कर देंगे सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग देखिए पूरा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप इसलिए कर रहे हैं ना, कि ज़्यादा एरिया था तो थोड़ा कलर मेंटेन करने में परेशानी होगी, आप लोगों को समझने में परेशानी होगी कि हाँ कलर कहाँ पर यूज़ करें नहीं करें। कम एरिया रहता है उसमें मेहनत कम लगती है, प्लस कलर भी सही से मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो PNG के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको परफेक्ट पहले ऐड करते हैं, इसको पहले हम लोग साइज सही करेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे जो फालतू होगा। तो हम इसका साइज देख लेते हैं, देखिए पूरा पैरेलल रखेंगे उसके। ठीक है, हेड के पूरा इक्वल रखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका साइड का रिमूव कर देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा निकला है उसको भी रिमूव कर लेते हैं, ये रहा। चलिए अभी देखिए पूरा पैरेलल है, एकदम एरिया पूरा इक्वल है। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। चलिए सही है, चलिए सही है। हम इसको सेव कर लेते हैं, हम चलते हैं इफेक्ट में, उसको शैडो बनाते हैं। जो अलग से हम लोग हेयर ऐड किए थे वहाँ पे हल्का सा डार्क कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर लेते हैं, इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी परेशानी है वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियो है, सभी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा सीखने को। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पहले यूज़ कर लेते हैं, अमाउंट कम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अब सेव कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं स्टेज में, वो जो फेस है ना कुछ ज़्यादा ही पहाड़ की तरफ निकला हुआ, तो उसको हम लोग हल्का सा पुश करते हैं इन फ्लैट में चल के, एक्सक्यूज में चल के। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ करते हैं, इनके भी वीडियो तो देख सकते हैं आप। यहाँ से वाट में चल के थोड़ा सा दोनों साइड से हम लोग उसको पुश कर देते हैं अंदर की तरफ, ये रहा चलिए हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रंट में कुछ ऐड करते हैं, जैसा कि हर पिक्चर में मैंने बताया है कि फ्रंट में क्यों ऐड करते हैं, क्या इसका क्या मतलब, किस बेसिस पे ऐड करते हैं, इसका क्या ज़रूरत है ऐड करने का। तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसको आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग फ्रंट में, कोई बड़ी क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का है वाटर पाइप है। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्रंट में ऐड करते हैं, पहले पोजीशन सही कर लेते हैं। चलिए हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको ब्लर कर लेते हैं। इफेक्ट में चलते हैं, इफेक्ट में यह ब्लर, सॉरी ब्लर में चलते हैं पहले, ये रहा ब्लर। ठीक, अब हम लोग इन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए हो गया, हम इसको ब्लर कर लेते हैं। चलिए हम लोग यूज़ कर लिए हैं ब्लर, फिर अमाउंट थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं। चलिए हो गया, अब सही है। ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ऐड पिक्चर में, कोई भी कलर उसको ऐड कर लेते हैं इक्वल। ठीक है, तो आप कोई भी कलर यूज़ करते सकते हैं, यहाँ पे पिंक का ब्लू है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं वहाँ पे, तो पिक्चर एडिट हो चुकी है, बस हम लोग कलर ऐड करके यहाँ पे नॉर्मल से ऐड करते हैं इसको, कॉन्ट्रास्ट कम कर लेते हैं ऑपेसिटी को। चलिए हो गया, तो आप लोग की जो भी परेशानी होगी वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग की पिक्चर एडिट हो चुकी है, इसको HD में कैसे सेव करते हैं आप कॉर्नर में टच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।